everyone. I welcome you all to today's class. Acha, see, last chapter that we did was some basic concepts of chemistry. As we are going to start with our new chapter, that is structure of atom. Okay, before that, let me brief you with the packages that are already running. We have the packages for junior as well as senior classes, and this is a limited time offer. As you can see, the actual amount of the package is 30,000, but since the offer is going on, so the package is just 9,000 for both senior and junior classes. Okay, iske alawa we have application. जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको पता है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि वी हैव द एप्लीकेशन ऑन विच वी आर प्रोवाइडिंग विद लाइव क्लासेस डेली. ओके, वी हैव क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस आर देयर, रीसेंट लाइव लेक्चर्स दैट आर देयर इंडिविजुअली फॉर एवरी क्लास एवरी डे. ओके, देन वी हैव कॉन्टेंट फ्री सोल्यूशंस, वर्कशीट्स फॉर योर प्रैक्टिस एंड डाउट सेशंस. ठीक है, on YouTube we have started with the NEET course, as you all know, for 11th standard exclusively, and the timings for the same are here as follows. For physics you have the classes on Wednesday, Thursday and Saturday at 6:04 and 6 p.m. respectively. For chemistry you have Monday and Tuesday at 3 p.m. and on Friday at 5 p.m. and biology at 3 p.m. on Wednesday, Friday and Saturday. Okay, so these are the class timings. Just be very much aware about the timings so that you don't miss any lecture. Okay, now we will be starting with our new chapter, that is structure of atom. Okay, chalo ab ye chapter start karne se pehle thodi si baat kar lete hain ki isme exactly hai kya. तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, राइट? थोड़ा बहुत बेसिक आपको ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटम्स के अंदर होता क्या है, व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है. यहाँ पर इस चैप्टर में थ्योरी बहुत सारी है, ठीक है, और एज पर द एनालिसिस इस चैप्टर में से लाइक अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आया ही नहीं है कोई क्वेश्चन इन द ईयर. ओके, सो अब ये इन्फर नहीं कर सकते कि आएगा ही नहीं, इट इज अनप्रेडिक्टेबल. हम एक चीज प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं कि जिस सेक्शन में से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है हम उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है, तो वही हमारा क्राइटेरिया रहेगा एंड टारगेट टू अप्रोच दिस चैप्टर. चलो विद दिस लेट अस स्टार्ट. ओके, सो हमने फर्स्ट चैप्टर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स थे, एक पोस्टुलेट उसमें से हमें पिकअप करना है, जिसका क्या था कहना कि जो एटम है इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. लेकिन क्या ये सही था, व्हाट डू यू थिंक, वॉज इट राइट, वॉज दिस पोस्टुलेट राइट, व्हेन द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी गेम उसमें कुछ वेरिएशंस थे, और सबसे बड़ा वेरिएशन देखने ये मिला था कि एटम से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है. तो द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन, नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड डाल्टन रिगार्डेड दैट एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट वॉज वन ऑफ द पोस्टुलेट्स. नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब इनकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैथोड रे, डिस्चार्ज ट्यूब, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर देयर, ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. अब ऐसे बोलते हैं ना कि क्लास सब क्लास, मतलब डिविजन सब डिविजन, किसी भी एक जो भी हमारा लेवल है उसको फर्दर डिवाइड करने से पहले हम सब लगा देते हैं. सिमिलरली यहां पर एटम को फर्दर डिवाइड करने से पहले हमने क्या कर दिया, सब लगा दिया, एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लाइक दैट, ठीक है. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. चलो, डाल्टन्स थ्योरी
able to explain law of conservation of mass, law of constant composition. ठीक है, डाल्टन की थ्योरी ने ये सब भाई बता दिया था. Some salient features of this theory are atoms of a specific element are like but it differ from atoms of other element. क्या कहना चाह रहे हैं? इनके कुछ postulates थे, एक बार revise कर लेते हैं कि Dalton's atomic theory क्या बोलता था कि एक जो element है वो दूसरे element से किस तरह से differentiate करता है उसके constituent particle के terms में. ठीक है, कि जैसे for example हमने silver ले लिया है, silver element और sodium element है ना, तो इनके जो एटम्स होंगे इसके एक्सक्लूसिवली सिल्वर के होंगे, इसके एक्सक्लूसिवली किसके सोडियम के होंगे, और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी. राइट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी. जैसे बोलते हैं कि सिल्वर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, सोडियम की नहीं होती है. नहीं होती है भाई, सोडियम इज लाइक आयोनिक फॉर्म में अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है. ओके चलो, तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिफर करती हैं विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स. एटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट आर लाइक बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. जितने भी सिल्वर के एटम्स होंगे वो तो आइडेंटिकल होंगे हर रिस्पेक्ट में, लेकिन जितने भी सोडियम के एटम्स होंगे वो सिल्वर के एटम्स से डिफर करेंगे. ठीक है चलो, अब एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल एंड इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक मास बट इट इज स्ट्रक्चरलेस. क्या बोल रहे हैं? एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल, मतलब वो एटम को ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उसी को क्या कर दे रहे हैं, वो अल्टीमेट बता दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है. बट ऐसा नहीं था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे. ठीक है चलो, अब एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल एज दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये तो पोस्टुलेट बिल्कुल सही था कि व्हाट आर एटम्स, एटम इज नथिंग बट मैटर, है ना. तो जैसा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज सेम. क्यों? क्योंकि एटम भी तो एक मैटर है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई सेड कि एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, हम उन्हें डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते. एज दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे आर इंटैक्ट इन देयर फॉर्म, और बस दे कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. क्लियर है? चलो, अब एक्सपेरिमेंट शोज दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द एटम. ओके चल, नाउ लेट अस मूव ऑन. फंडामेंटल पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ एटम्स. हमें पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वाटर की बात कर लेते हैं, तो वाटर क्या है? कंपाउंड है, एंड इट इज ऑल्सो मैटर. वाई? बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, राइट. तो अब वो जो कंपाउंड है वाटर, उसका फॉर्मूला क्या है? H2O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है, यही पता चलने वाला है. ठीक है, तो इससे क्या इन्फर कर सकते हैं? कि मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. जस्ट एक लेवल की तरफ जा रहे हैं हम, जो कि बहुत स्पेसिफिक होता जा रहा है. एंड देन अगर आगे बोलो तो एटम्स आर फर्दर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स that are electrons, protons and neutrons. ठीक है, फिर electron is a subatomic particle that consists of a negative charge. अब electron, proton, neutron, जैसा कि आपको already पता है, electron का charge negative, proton positive and neutron is just like its name, neutral. ठीक है, तो ये तो basic चीज है जो आपको already पता है. Now comes charge to mass ratio of an electron. क्या होता है? देखो, the charge to mass ratio is known as specific charge. Now, larger the magnitude of charge on the particle, larger is the deflection when electric and magnetic field is applied. क्या होता है कि जब cathode ray tube, like cathode ray tube experiment इन्होंने किया, तो इन्होंने electric और magnetic fields apply करके deflection देखा कि जो भी particles आ रहे हैं वो किस तरफ deflect कर रहे हैं. ठीक है, तो एक डिफ्लेक्शन देखने मिला है इनको. अब उसी के बेसिस पर इन्होंने कहा है कि लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा पार्टिकल पे उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है चलो, लाइटर द मास ऑफ द पार्टिकल, लार्जर विल बी द डिफ्लेक्शन वेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड. लाइटर द मास ऑफ द पार्टिकल, लार्जर विल बी द डिफ्लेक्शन. क्या बोल रहे हैं? देखो, चार्ज और मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. चार्ज ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और मास कम होगा. ऐसा होता है ना कि जितनी ज्यादा हल्की चीज होती है उतना ज्यादा उड़ती है,
होता है नहीं होता है, भारी चीज थोड़ी उठ पाएगी। तो ऐसे ही समझ लो कि जितना ज्यादा लाइटर मास होगा उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ थॉमसन वॉज एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो एज 1.7588 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्स पर केजी। चार्ज टू मास रेशियो इज चार्ज कूलम्स अपॉन मास इज इन केजी, तो कूलम्स पर केजी विल बी द यूनिट। ओके, सो एज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ रिलेटिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो द मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द गिवन फॉर्मूला m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर। ओके चलो, सो वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड मास ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स इंफिनिटी। चलो ठीक है, तो ये एक जनरल सा फॉर्मूला है, कभी कभार पूछ लें, बहुत रेयर चांसेस हैं कि फॉर्मूला पूछ लें, बट हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितना चार्ज होता है, पढ़ते हुए आए हैं, कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज इज देयर ऑन द इलेक्ट्रॉन। चलो, सो मिलिकन डिटरमाइन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू ऑन द ड्रॉपलेट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एनी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू एनी, वेयर एन इज व्हाट, नथिंग बट अ होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 लाइक दैट, ठीक है। चलो, चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप्स वॉज ऑलवेज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया, e अपॉन एमी, सो वी गॉट 9.1। आप यहां से डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, इट इज नेगेटिव माइनस 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। एच प्लस को भी प्रोटॉन बोलते हैं, पता है। सो द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन इज प्रोटॉन, और प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो इट इज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, ठीक है। चलो, न्यूट्रॉन आर द पार्टिकल्स इन एन एटम दैट हैव न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रॉन्स नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। और अब अगर हम यहां पर न्यूट्रॉन की बात करते हैं कि हमें कहां देखने मिलता है, तो सी बेरिलियम न्यूक्लियस है या बेरिलियम एटम है एंड वी हैव एन अल्फा पार्टिकल। जब ये डिसइंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। व्हाट इज दिस 9, 10, 11, 12, 13, सो वी कैन सी दैट एक नया हमें एलिमेंट मिल रहा है। व्हाट इज दिस, नथिंग बट रेडियो एक्टिव डीके। ओके चलो, नाउ कम्स द एटॉमिक मॉडल्स। तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें थी कुछ, ठीक है, जो हमें जानना जरूरी है। अब यहां से एटॉमिक मॉडल स्टार्ट होते हैं कि जैसे जैसे थ्योरी प्रोसीड करती गई सबको क्यूरियोसिटी होने लगी कि एटॉमिक मॉडल किस तरह से रिप्रेजेंट करें, एटम का क्या स्ट्रक्चर है। हमने ये पता लगाया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा हो सकता है, तो किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेशन के लिए मॉडल्स बहुत सारे निकाले गए थे, अपने अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर अपनी अपनी थ्योरीज निकाली थी, अपने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है थॉमसन्स मॉडल, इसको हम थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, इसमें क्या था, जे जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज्ड दैट एन एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप रेडियस इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोला है कि अगर उनका उनका इस तरह से कुछ विजुअलाइजेशन था कि एटम एक स्फेरिकल शेप का है, एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप रेडियस इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पूरा ये है बल्क में क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसमें एम्बेडेड है, जस्ट लाइक अ प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, अब
इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा और बेहतर समझना चाहें तो आप एक वाटरमेलन कंसिडर कर लो. वाटरमेलन में क्या होता है, जितना भी रेड पोर्शन है उसको थॉमसन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और जितने भी सीड्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं. ठीक है, तो चलो देखो. सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटम इट इज लाइक वाटरमेलन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन. इलेक्ट्रॉन्स ये जो से फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वाटरमेलन है ये उसके सीड्स हैं. तो सीड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और जितना भी रेड रेड पोर्शन है वो क्या है गाइस, व्हाट इज इट, इट इज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक फाइब्रस मटीरियल ऑफ वाटरमेलन, दैट इज द रेड पोर्शन. नाउ an important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. Mass jo hai atom ka wo har jagah uniformly distributed hai throughout this atom, and this model cannot explain electrical neutrality of the atom. Ab lekin ye model electrical neutrality explain nahi kar pa raha tha. This model was also called as the plum pudding model ya raisin pudding or watermelon model of atom. क्लियर है इतनी बात. अब नेक्स्ट थोड़े से कुछ की पॉइंट्स हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद वील फर्दर मूव टू द मॉडल्स. सी, हेनरी बेकरेल ऑब्जर्व दैट देर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच एमिट रेडिएशंस ऑन देयर ओन एंड नेम दिस फिनोमेना एज रेडियो एक्टिविटी. ओके, तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया. तो हेनरी बेकरेल ऑब्जर्व दैट देर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो कि रखे रखे रेडिएशन एमिट करने लगते हैं, कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स देने की जरूरत नहीं होती है. और ये जो रेडिएशन हैं ये क्या होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, जिनको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे जब वील बी स्टडिंग रेडियो एक्टिविटी. ऑन देयर ओन एंड नेम दिस फिनोमेना इज रेडियो एक्टिविटी एंड द एलिमेंट्स यील्डेड दीज रेडिएशन वर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. यूरेनियम इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल. ओके, चलो नेक्स्ट है अल्फा रेस के बारे में अगर पता करें तो अल्फा रेस क्या होते हैं, they consist of high energy particles carrying two units of positive charge plus 2 and 4 units of atomic mass. Mass kitna hota hai, 4 units. That is a helium nuclei, that is alpha particle is nothing but a helium nuclei. Okay, helium ka mass kitna hota hai, 4, atomic number 2, theek hai. Beta rays are negatively charged particles similar to the electrons. Then, if we talk about gamma rays, they are high energy radiations just like the X-rays. They have a high penetrating power. Okay, so X-rays have a very high penetrating power through the matter. Thus, these are used to study the interior of the objects. X-rays ka to aapko bhi pata hai ki they can even pass through our skin and muscles. Tabhi bones detect ho paate hai, although wo bones se pass nahi kar paate. Theek hai? Now, penetrating power order of these radiations is alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma. This is the penetrating power. Ratio of penetrating power of alpha, beta and gamma particles it is 1:100:1000. ठीक है, like that. चलो. Now जो next हमारा model था वो था Rutherford's model of atom. अब Rutherford suggested atomic model based on अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन विच अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज पास्ड फ्रॉम अ थिन गोल्ड फॉइल एंड इट इज कवर्ड विथ अ फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन. बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं कि देखो, ये इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था जो कि अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है. ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट करता है ना रेडिएशन, जैसा अभी हमने पढ़ा, इसीलिए पढ़ा कि पता चल जाए कि क्या है, किस तरह के रेडिएशन है. तो एक एलिमेंट था जो कि अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता था, और इन्होंने इनको किस पर बोम्बार्ड करवाया, एक गोल्ड फॉइल पर बोम्बार्ड करवाया. ओके, और पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी जिसपे इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए. ठीक है, तो देखो यहां पर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको. स्कैटरिंग ऑफ अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एज दे पास फ्रॉम अ थिन गोल्ड फॉइल एंड इट इज कवर्ड विद अ फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन. व्हेन अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रक द स्क्रीन द फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, चलो. नाउ
ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. अब देखो क्या होता है, ये गोल्ड हमारा गोल्ड है, गोल्ड फॉइल है, तो जाहिर सी बात है इसमें गोल्ड के एटम्स है, ऑब्वियसली इतनी दूर दूर नहीं होते हैं, बट जस्ट फॉर योर क्लियर विजुअलाइजेशन देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. जैसे कि अगर ये अल्फा पार्टिकल यहां से बहुत सारे निकल रहे हैं, है ना, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो ये तो वापस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक एटम आ गया. लेकिन ये वाला जो अल्फा पार्टिकल जाएगा ये इन दोनों एटम्स के बीच के स्पेस से निकल जाएगा, राइट, ठीक है. अब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. अब जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉलर एंगल्स. अब इसके अलावा अगर हम केवल एक एटम कंसिडर करते हैं, ठीक है, एक एटम हमने कंसिडर किया, सिंगल एटम ऑफ गोल्ड, से ये गोल्ड का एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस. अब ऐसे बहुत सारे हैं तो अल्फा पार्टिकल्स जब जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हमारा न्यूक्लियस है. अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज 2 units पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है. तो न्यूक्लियस सिंस इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं, ये वापस आ जाएगा सीधे 180 डिग्री के एंगल पर, ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है. फिर कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर ना ही इलेक्ट्रॉन होता है ना ही प्रोटॉन होता है, तो कुछ भी नहीं होता ऐसे जो कि उसको अट्रैक्ट या रिपेल करे, तो कुछ पास कर जाते थे और स्क्रीन पर हमें क्या मिलता था, एक फ्लोरोसेंस मिलती थी, ठीक है. नाउ अब जैसे ये एक अल्फा पार्टिकल है एंड यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ हद तक डिफ्लेक्शन देखने मिलता था यहां पर. से फॉर एग्जाम्पल एक अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, बहुत पास से जा रहा है ना, तो कुछ हद तक तो रिपल्शन होगा, तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह से वो डिफ्लेक्ट हो जाए. तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, जितने स्ट्रेट चले गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे. अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, देन अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक एट 180 डिग्रीज. ओके, तो अब समझते हैं क्या क्या कंक्लूजन निकाले, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी. जितने भी सीधे निकल जा रहे थे, क्या बोला था यहां पर, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा कब निकल पाएंगे, जब एटम में एम्प्टी स्पेस होगा, ना ही अट्रैक्शन का कोई चांस होगा, ना ही रिपल्शन का कोई चांस होगा, राइट, तभी निकल पाएंगे. तो भाई वो निकल गए, तो इससे क्या मतलब पता चला, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम्स इज एम्प्टी, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज वर डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्सेस शोज दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड आउट. अब देखो, अगर जैसा कि प्लम पुडिंग मॉडल ने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा होता तो एक भी अल्फा पार्टिकल पास नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि भाई पूरा पूरा पॉजिटिव बल्क है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होते हैं, सीधे 180 डिग्री पे वापस आ जाते, रिपल्शन मारता वो पॉजिटिव बल्क इतना ज्यादा अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है. तो अ फ्यू पॉजिटिव चार्ज वर डिफ्लेक्टेड, कुछ ही रिफ्लेक्ट हुए थे, क्यों, क्योंकि द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्सेस, इट शोज दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड आउट. सिर्फ कहीं कहीं हुए थे ना, पूरे थ्रू आउट तो नहीं हुए थे, अगर थ्रू आउट पॉजिटिव होता तो अल्फा पार्टिकल्स पास ही नहीं कर पाते, पूरा पूरा डिफ्लेक्शन शो करते. नाउ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम. तो इससे क्या पता चलता है, कि जो भी पॉजिटिव बल्क है वो सेंट्रली लोकेटेड है कहीं पर, और बहुत ही छोटी वॉल्यूम में लोकेटेड है, ठीक है, और बाकी का स्पेस जो है वो एम्प्टी है. क्लियर है, चलो, आई होप दिस मच इज क्लियर. तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे रदरफोर्ड्स मॉडल के. अब अजम्पशंस क्या क्या रहे थे, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. ये इनके अजम्पशंस रहे थे. अब भाई हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले और वो ट्रू निकले हैं, या जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बेसिस पर हम कुछ ना कुछ तो अपने अजम्पशंस देंगे ना, कि हाँ भाई हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था एटॉमिक मॉडल इन्फर करने के लिए या डिड्यूस करने के लिए, तो हमें ये ऑब्जर्वेशंस मिले, उनके बेसिस पर हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ठीक है.
तो ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल रीजन, इन्होंने अज्यूम किया और उसको इनका नाम दे दिया न्यूक्लियस. ठीक है, नाउ द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को भी बोल दिया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अराउंड नेगेटिव चार्ज बहुत तेजी से स्पिन कर रहा होता है या घूम रहा होता है. नाउ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रेजेंट ड्यू टू द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट बैलेंसेस द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. अब ऐसा होता है ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है, और प्रोटॉन कहां पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, ये पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव बल्क है, इसके अराउंड कौन कौन घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव हैं, तो भाई ये तो अट्रैक्ट होंगे इससे या न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन से, हो सकता है ना. लेकिन ये क्यों अट्रैक्ट नहीं होता था, क्यों न्यूक्लियस में फॉल बैक नहीं करता था, क्योंकि इसका एक इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑपरेट करता था यहां पर. तो अब दो फोर्सेस जब ऑपरेट करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे एंड द सिस्टम या स्पीशीज विल बी इन प्लेस. So the centrifugal force is present due to the fast moving electrons that balances the coulombic force of attraction present between the nucleus and the electron. Clear baat hai? Ab Rutherford's atomic model is comparable with the solar system, so it is also known as the planetary model. Sahi baat hai? Ye jo hamara solar system hai, isko sun bol diya positive charge ko aur jitne bhi planets hain unko electrons bol diya, to bilkul aise imagine karte hain hum bhi, hai na? Now drawback of Rutherford's model kya kya the? इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि बाद में बोहर ने एक्सप्लेन किया था. एंड बोहर मॉडल विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, क्योंकि उससे पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, चलो. इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. चलो नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का कॉन्सेप्ट, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक नंबर मास नंबर. ओके, तो सी, अ न्यूट्रल एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. अब जब हम बोलें कि एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब क्या होता है? एक एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है भाई, तो इसका क्या मतलब होगा कि जीरो चार्ज है. और जीरो चार्ज कब होगा हमें पता है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब इसके हिसाब से फिर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो कोई चीज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर पाएंगी. दो अनलाइक चीजें एक दूसरे के इफेक्ट को तभी कैंसिल कर पाएंगी जब वो इक्वल अमाउंट में होंगी, इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगी, राइट. तो अ न्यूट्रल एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो अगर कोई एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. और आप ऐसे भी एटम्स देखोगे जिन्हें हम आयंस बोलते हैं, ठीक है, जैसे Na है, Na न्यूट्रल है. अगर मैंने लिख दिया Na प्लस, मतलब वो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट. सो अ न्यूट्रल एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. और अगर न्यूट्रल नहीं है, मतलब या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जिन्हें हम कैटायंस या एनायंस बोलते हैं. चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. हाईली इंपॉर्टेंट. ओके, कैलकुलेशन आता है कि एक पर्टिकुलर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं, बताओ भाई एटॉमिक या ना मास नंबर बताओ. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, चलो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Z, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एज ये दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एलिमेंट दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, आई टोल्ड यू. अब द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ओके, अब अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? इट विल बी इक्वल टू द मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर, दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सी हियर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, इट इज मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर. तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है.
मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर. ओके चलो, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स. ओके चलो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर आइसोटोप्स. आइसोटोप्स के लिए क्या बोल रहे हैं भाई, कि आइसोटोप्स में क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है ना. एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट. इससे क्या हम समझ पा रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एटम का नंबर सेम है, मतलब एटम सेम है. ठीक है, मतलब हमें सेम एटम दिखेगा, दिस इन्फर्स कि एटम सेम है. एटम हमें सेम दिखेगा लेकिन उसका मास डिफरेंट होगा. कुछ सुनने में अजीब नहीं लग रहा है ना, बट ऐसा है. और इन्हीं स्पीशीज को हम आइसोटोप्स बोलते हैं. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर आर सेम लेकिन मास नंबर आर डिफरेंट. ठीक है, तो अब ऐसे भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका मास नंबर अलग अलग होता है और इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं. ठीक है, चलो तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए. हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज प्रोशियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइशियम. ठीक है, प्रोशियम में क्या है, 1, 1, ड्यूटीरियम इज एटॉमिक नंबर तो 1 है, मास नंबर कितना है, 2 है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3, ट्राइशियम. एंड ये वाला जो है दिस इज रेडियो एक्टिव, इज रेडियो एक्टिव. दिस आइसोटोप, ट्राइशियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव. ठीक है, चलो, सो दीज आर द आइसोटोप्स. नाउ कम्स आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, इसमें भी क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, मास नंबर कितना होता है, 35.5. लेकिन यहां पर जो दो आइसोटोप्स हैं इनमें से एक का मास है कितना, 35 और 37. ठीक है, ये आएगा 35 एंड 37, 17. ठीक है, चलो, तो अब आप बोलोगे कि हम तो कैलकुलेशन के टाइम पे क्लोरीन का मास 35.5 लेते हैं, तो जो पीरियोडिक टेबल में मास मेंशन है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है. ठीक है, आइसोटोप्स की अबंडेंस जो भी होती है उससे मल्टीप्लाई करके हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं. ठीक है, तो वो जो पीरियोडिक टेबल में मेंशन होता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है. नाउ तो आई होप आइसोटोप्स क्लियर है आपको, सेम एलिमेंट होता है मास डिफरेंट होता है. अब अगर हम आइसोबार्स की बात करेंगे तो आइसोबार्स के केस में हमें क्या देखने मिलेगा, जस्ट उल्टा. एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है, क्या बोला मैंने, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, और मास नंबर क्या है भाई, मास नंबर सेम है, मास नंबर इज सेम, तो ये क्या बन जाते हैं हमारे आइसोबार्स. देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब हमारा एटम डिफरेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोबार्स. इनके एग्जांपल हो जाएगा कार्बन एंड नाइट्रोजन. देखो 6, नाइट्रोजन का 7 लेकिन 14 एंड 14. अब ये आप बोलोगे ये तो सही है भाई, ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है एंड जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है. कार्बन का ऐसा क्यों लिखा भाई, कार्बन का यहाँ 12 लिखना चाहिए था. तो ये कार्बन 14 है, आइसोटोप है ये कार्बन का. कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं. कार्बन के हाउ मेनी आइसोटोप्स टू बी हैव, 3 आइसोटोप्स. फर्स्ट वन इज कार्बन 12, कार्बन 13 इज द सेकेंड वन एंड कार्बन 14 इज द थर्ड वन. ठीक है, तो यही कार्बन 14 है. ओके, तो ये होते हैं आइसोबार्स. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो नाउ वी विल बी सॉल्विंग अ फ्यू डीपीक्यूज जो कि हम डेली करते हैं, हर लेक्चर के एंड में करते हैं. चलो तो देख लेते हैं थोड़ा सा. सी फर्स्ट क्वेश्चन इज
The number of neutrons in dipositive zinc ion with mass number 70 is. क्या बोला है? Number of neutrons बताने भाई. The number of neutrons in a dipositive zinc ion. ये zinc ion है. Dipositive है मतलब 2 plus charge है इस पे. Okay. और इसका mass number हमें given है 70. Mass number 70 given है. तो जब हम न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं तो न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस द एटॉमिक नंबर. यही होता है. सो ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? इट इज ए माइनस जेड. अब वो बोल रहा है डाइपॉजिटिव जिंक आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो देखो, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज एटॉमिक मास जो कि 70 है माइनस Z जो कि एटॉमिक नंबर जिंक का 30 होता है. ठीक है, तो कितने आ गए? 40. ओके, 40 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट. क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन्स चेंज तो होते हैं बिल्कुल बकायदा, लेकिन उससे उससे क्या फर्क पड़ता है? न्यूट्रलिटी पर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो सेम नंबर के ही रहेंगे ना इन द न्यूक्लियस. ओके, चलो. नाउ नाइट्रोजन एटम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 7 एंड ऑक्सीजन has an atomic number of 8. The total number of electrons in the nitrate ion will be. Nitrate ion का formula क्या होता है? NO3-. Okay. तो ये बोल रहे हैं total electrons कितने होंगे. Nitrogen atom has an atomic number of 7. 7 तो भाई इसमें since जो number of electrons है that is equal to the atomic number only, तो इसमें तो 7 हो गए. And oxygen में nitrate ion है ना, oxygen में कितने electrons होंगे? ऑक्सीजन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 8. लेकिन अगर हम नाइट्रेट को एक्सपैंड करते हैं NO3-, तो दिस कैन बी रिटन एज N. ऑक्सीजन कितने हैं? 3. 1, 2, 3 और 1 पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, ऐसे करके. तो यहाँ पर तो 7 ही हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 8 रहेंगे, यहाँ पर 8 रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कितने रहेंगे? 9 रहेंगे. 9 क्यों? क्योंकि -1 नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो अब इसको टोटल कर लो. व्हाट यू विल गेट? 24. यस, वही मिलेगा. 8, वेट, 8 फोर जो 32 आएगा. ठीक है, सो 32 इज द करेक्ट आंसर. 9 है, 8 फोर जो 32. या ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पिक आउट दीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, बहुत आता है, बहुत पूछते हैं. तो चलो, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स वी हैव टू पिक फ्रॉम दिस फॉलोइंग डाटा. सी, लेट अस चेक आउट. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पहले समझते हैं. आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम. इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर किसी भी स्पीशीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब वो क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. वट इज इट? इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, तो वी हैव टू पिक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. सी हियर, फर्स्ट वन इज CH3+. CH3+. ओके, तो लेट मी राइट इट हियर. CH3+ फर्स्ट है, देन वी हैव H3O+, देन वी हैव NH3+, जस्ट NH3, एंड देन वी हैव CH3-. This is first, this is second, third, this is fourth. चलो, same electrons पता करने हैं. तो जब हम CH3+ को expand करके लिखते हैं तो कैसे आ सकता है? Carbon, 3 hydrogen और 1 hydrogen के ऊपर क्या? Plus charge, like this. Okay, carbon के पास total number of electrons कितने होंगे? Equal to the atomic number जो कि है 6. Hydrogen 1, 1 and इसके ऊपर 0, क्योंकि प्लस वन का चार्ज है ना, तो 0. 6, 7, 8 यहाँ पर कितने हो गए? 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 8. ठीक है, अब H3O+ के केस में क्या हो जाएगा? H3O+ है तो मतलब हाइड्रोजन 3 है, H3O और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो 1, 1, 1 एंड 8 होता है लेकिन प्लस 1 है तो 7. 7, 8, 9, 10. हाउ मेनी टोटल? 10.
okay. Now next we have NH3. So NH3, तीन इलेक्ट्रॉन्स एंड 7, 10, इसके पास तो 10 आ गए भाई, और CH3 माइनस है. CH3 माइनस मतलब कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे नेगेटिव, 6, 1, 1 और यहाँ पर 2, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, यही होगा ना. हाँ तो भाई ये 10 आया है. अब इसमें तो हमारे पास तीन आ रहे हैं भाई, क्या हमारे पास कोई ऐसा एक ऑप्शन है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ? यस डी. ठीक है, तो दीज थ्री हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वी से दैट दीज स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर. चलो ओके, नाउ नेक्स्ट, CO has same electrons as of the ion that is isoelectronic with CO is. CO has the same electrons as the ion. अब ये जितने भी ions given हैं, इनमें हमें calculate करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि CO के साथ isoelectronic कौन सा है. तो चलो let us check out. पहले उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि CO में कितने, how many I would say electrons we have in total. तो कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 8, क्या हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सीओ में, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, अब हमें ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से चेक करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 किस में. लेट अस चेक N2+ फर्स्ट. ए N2+ मतलब N दो है और किसी एक पर प्लस चार्ज है. नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, यहां पर 6 हो जाएगा, तो 7+6 विल बी इक्वल टू 7, 2 जा 14, 1 कम 13. ठीक है, बी CN-. ओके, CN-, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, एक एडेड है तो 8, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नेक्स्ट है सी O2+, 8, 7, तो 8+ ये हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वी हैव डी O2-, 8, 9, 17 इलेक्ट्रॉन्स. CO के पास कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें से 14 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है CN- के पास. ओके, तो दिस स्पीशीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO. क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यस. चलो नेक्स्ट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट M आर, M का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या है? मास नंबर भाई 52 है, एटॉमिक नंबर 25 है. ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द M+2 आयन आर रिस्पेक्टिवली. तो चलो अब ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, टेक 2 मिनट्स फॉर इट एंड कर लोगे, इजी है बहुत. ट्राई,
हरी अप गाइस, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स लेफ्ट. बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है. ओके, टाइम इज अप नाउ. देखो, ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर क्या पूछा है. इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन का ऑर्डर पूछा है. अगर हम करेक्ट आंसर निकाल भी लेते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आपने इसी ऑर्डर में अपना आंसर अरेंज किया है, ठीक है. वरना सही निकाल लोगे, गलत हो जाएगा, मेहनत बर्बाद, ठीक है. तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखो. सबसे पहले क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स, देन प्रोटॉन्स एंड देन न्यूट्रॉन्स. ओके, चलो. सो एम टू प्लस आयन में बोला है कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट एम इज 25 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर 52. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एम प्लस टू आयन्स आर रिस्पेक्टिवली. एम प्लस टू आयन, अगर एम प्लस टू आयन है तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल इट बी. तो हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, दैट इज 25. यस, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25, है ना. लेकिन आप खुद एक चीज समझो कि यहां पर प्लस टू है तो इलेक्ट्रॉन्स तो टू लेस हो जाएंगे, है ना. प्लस टू है तो 25 अगर एटॉमिक नंबर है तो m के लिए तो 25 एटॉमिक नंबर है, ठीक है. एटॉमिक नंबर 25 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 25 होंगे. लेकिन m 2 प्लस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 लेस, दैट इज 23, ठीक है. तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें 23 दिख रहा है, यस. तो डायरेक्टली या तो आप इसको मार्क कर दो. अच्छा, सेकेंड चीज हम क्या देखते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं. तो न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज द मास, एटॉमिक मास माइनस 25, दैट इज द एटॉमिक नंबर. तो व्हाट विल बी गेट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 एंड 2, 27. ओके, 27 हो गया. एंड बचा प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स विल बी हाउ मच, प्रोटॉन्स विल बी 25 ओनली, ठीक है. प्रोटॉन्स तो 25 ही रहेंगे एज इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. केवल और केवल जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो चेंज होते हैं. न्यूट्रॉन्स का एक्सचेंज ही तो चार्ज क्रिएट करता है, चार्ज जनरेट करता है, ठीक है. तो आर करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज 23, 25 एंड 27 आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली. ओके, सो वी गॉट द डी ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर. आज के लेक्चर के लिए इतना ही, एंड वी विल बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस इन द कमिंग टॉपिक्स. और जैसे सी फॉर एग्जांपल, यहाँ पर तो यू आर कनेक्टेड विद अस, यू नो ऑलरेडी कि हम कितना कर पा रहे हैं. बट देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिनमें व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, आपको अप्रोच तो समझ आती है लेकिन देन अगेन एक जो डायरेक्ट अप्रोच होती है, एक डायरेक्ट वन टू वन इंटरेक्शन होता है, वो किस तरह से उपाय. ईदर यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद आर क्लासेस ऑन द यूट्यूब एज वेल एज द एप्लीकेशन. फॉर दैट यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट अस एंड टेक आर सब्सक्रिप्शन. ओके, चलो. सो डू नॉट फोरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन स्टे इन टच विद अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एज वेल. चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.